A todos los palomos, dice que tiene millo, pero no tiene nada. Tengo Gucci, Prada, Balenciaga. Good morning, sube hoguille, bari shoriye, clase lagani online, 11 baje. Dekhte hain lagani ki nahi lagani, dekhte hain. ladka idhar hai, hello bol de sir. Sere sere chal rahe, parathe banaunde ho? Haan yaar. अभी एक्सरसाइज का टाइम है, एक्सरसाइज कर लीजिए। लाइव ख़त्म हो गया है, जिसको भी सुबह सुबह लाइव आना था, अपन लोग आते हैं ऑस्ट्रेलियन टाइम 10:30 बजे, एक घंटा लाइव चलता है। और NSJ.vlogs जाके फॉलो करें, और तुषार ब्रिजर 20 भाई को भी फॉलो करें, और थोड़ा पर्सनल चैनल भाई का है उनको इंस्टाग्राम पर चेक करें, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी भैया आपको, पुराने वो करो चेक। अभी एक्सरसाइज का टाइम है, जब तक अपन लोग अपनी डॉलियों को पंप अप करेंगे तब तक आप बाहर का टाइम लैप्स देख लो। हाँ जी भैया जी, तो नहा धो लिया गया है, ठीक है। आज जॉब पे जाना है, हवा ही बड़ी चल रही है अंदर, तो आज कोई भी इन्फॉर्मेशन वाली बात पहली नहीं गई अभी तक, तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन वाली बात पेलनी है, थोड़ी देर में देखते हैं। तो काम 25 है, मौसम अच्छा है, फिर से एक टाइम लैप्स चल जाएगा, एक सुबह चले था। अभी ये है कि मैं बादल के हिसाब से टाइम लैप्स लगाता हूँ, अभी बादल है और हवा भी चली तो मूव होएंगे तो अच्छे लगते हैं, तो अभी चलाते हैं। टी शर्ट नहा लिया गया तो इसलिए पहनी, इसलिए वीडियो भी चालू है। लंच हो गया है, अभी चाय पत्ती नहीं अपने घर पे, चाय ज़रूरी होती है, और अभी थोड़ा सामान लाना है इंडियन ग्रोसरी से, तो उधर ही चल रहे हैं, अभी मिलते हैं वहाँ जाके या घर आके मिलेंगे, वहाँ पे शूट नहीं करने देता, वो देसी है ना, ये चक्कर है। तो भैया अभी हट्टी पे जाना है, चाय पत्ती लेके आनी है, तो इसलिए बाइक की गाड़ी पर जाते हैं, जब भी अपन टाउन में घूमते तो बाइक की गाड़ी में इसी पर जाएंगे। भैया सामान ले लिया है, इधर पड़ा है $27, तीन चीज़ें, अभी घर चले। हाँ जी भैया, तो शाम का टाइम है, वहाँ से सामान सुन ले आए थे, सो गए थे, फिर उठे हैं। अपन सोने पे भी जोर दिया, अभी डार्क सर्कल जाते हैं इसी से, ज़्यादा सोने से डार्क सर्कल जाते हैं, जो बंदे पूछते हैं ना कैसे जा रहे, यही रीज़न है। तो अभी जॉब पर चले जाना है, और टाइम लैप्स दिखाएँगे, टाइम लैप्स नहीं वो नाइट लैप्स दिखाएँगे, नाइट लैप्स बहुत अच्छा आता है, वही दिखाएंगे रात में जब भी डिलीवरी करने के, अभी टाइम है जाने का। और बाकी आज भैया ठंड हो गई है, तो इसलिए अपन लोग हुडी वगैरह ले लिए साथ में, और ये ज़रूरी है क्योंकि बालों का पता नहीं कब बिखर जाए आपके। डिलीवरी आ गई है तो डिलीवरी कर दें आप। जी भैया, तो आज जो बात है, हाँ जी, तो आज बात करनी है कि मेरे जो खर्चे कितने हैं। अभी जैसे पहले मैंने वीडियोस बनाई, दो बार बनाई हैं, तो वो अलग अलग हिसाब से बनाई हैं कि जब मैं अकेला रहता था, तो आज हम बात करेंगे, हमारे पास और कोई टॉपिक नहीं था, इसलिए सोचा गया कि आज अपन लोग बनाते हैं वीडियो खर्चे पे। ठीक है, पहले मैंने बनाई दो बार, वो अलग अलग तरीके से बनाई, तो अभी मैं रहता हूँ, चार लोग हम लोग रहते हैं, तो उसी हिसाब से आपको बताया जाएगा। एक 3 बेडरूम घर, लाइट जितना कुछ भी है सब कितना मेरा खर्चा आता है, मैं अकेले पे अपना बताऊँगा, तो उसी हिसाब से आप डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो पहले जो बात आती है वो आती है आपके रेंट की। ठीक है, तो मेरा जाता है $340 एक महीने का अकेले का, वो इसलिए क्योंकि हम लोग चार लोग रहते हैं, तो हर वीक का हमारा जाता है $340 रेंट, तो यानी कि अगर चार लोगों में कन्वर्ट करते हो जितना ही बनता है, तो 340 बनता है एक बंदे का। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो आपने समझ लिया $340 वो हो गए, और फिर उसके बाद हमारा $90 का प्लान है इंटरनेट का, जो कि बिल्कुल अनलिमिटेड है। ठीक है, अच्छी खासी स्पीड आती है उसकी, 45 के समथिंग स्पीड है,
एक मिनट यार, शोर शुरू हो गया, चक्कर ही बड़े। ठीक है, तो मतलब अपना बन जाता है $90 का प्लान है, उसको आप चार लोगों में डिवाइड कर दो, यानी कि 22 के समथिंग आता है, तो आप 25 मान लो भी, तो $25 वो हो गए। ठीक है, 340 और 25 कितने होते हैं वो जोड़ लेना, जितने भी होते हैं 40, 30, 70, मतलब $365 के समथिंग मेरा वो हो गया, खाली इंटरनेट का वो मिला के और मेरा रहने का। ठीक है, अब आता है लाइट का, तो लाइट का मेरे हिसाब से हमारा मतलब 3 महीने का आता है भाई, $150 या $200 के समथिंग आया था लास्ट बार, लास्ट में मतलब 183 आया था शायद, वो 2-3 महीने का था, तो वो भी आप जोड़ लो, यानी कि $60 एक बंदे के, तो कितने हो गए, मैथ मेरी कमजोर हो, जहाँ पे भी अपना भैया दिमाग लगा लियो जोड़ देना, तो वो कितने हो गए, मतलब आप 370 वो मान लो और 60 ये मान लो, 430 हो गए। ठीक है, तो ये लाइट का हो गया और रहने का हो गया और मेरा इंटरनेट का हो गया। ठीक है, ये खर्चे हमारे जो सांझे सांझी चीज़ों में, और प्लस हमारी ग्रॉसरी, ग्रॉसरी मेरे हिसाब से मेरी $150 की लगती होगी मैक्स, जो शेयरिंग में मेरी आती है, तो शेयरिंग का सीन मतलब ये कि शेयरिंग में इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी मैं अलग चीज़ें यूज़ करता हूँ, जैसे कि मतलब जो भी मैं प्रोटीन्स वगैरह लेता हूँ, या जो मेरी डाइट में फ्रूट्स वगैरह होते हैं, एग वगैरह जो मैं एक्स्ट्रा खाता हूँ, वो सब मैं अपने अलग से लाता हूँ, तो वो भी आप मान लो मंथ का $200 से ऊपर ही चला जाता है वो भी, तो 430 वो और 200 मेरे ग्रॉसरी वाला कितने हो गए, 630 और 200 मेरा वो मान लो 830। ठीक है, 830 के बाद अब मेरे फ़ोन प्लान्स पे आते हैं। ठीक है, तो आज भी ठीक है आ गया, कोई चक्कर नहीं, भाई ने एक ने बोला है, आप बोले ठीक, तो उसमें मेरा $125 का प्लान जाता है, फ़ोन का सिम का प्लान, जिसमें मतलब $115 का मेरा फ़ोन प्लान है और $10 के मेरे एयरपॉड्स थे, तो 125 हो जाते हैं, जोड़ देना, पहले मैं छोटा फ़ोन उठा के लाऊँ, कैलकुलेशन गलत होती है। हाँ, अब आ गया फ़ोन, अब जोड़ते हैं, तो भाई मैथ में कसम से बहुत तंगी अपने को, तो 830 वो हुए थे, 830 प्लस मेरा 125 मेरे फ़ोन का और एयरपॉड्स का, और उसके बाद $70 मेरे जाते हैं एयरपॉड वो आईपैड के। ठीक है, तो $70 वो हर महीने के, और $35 मेरी एप्पल वॉच के। ठीक है, और $45 इसमें जो सिम है ऑप्टस की, इसके जाते हैं, और क्या जाता है अपना बाबू, और तो कुछ नहीं जाता है, ये वाला फ़ोन तो मैंने कैश ही लिया था, और वो प्लान वो वाले फ़ोन का जो मैंने 10S पहले लिया था, जो पुरानी वीडियो से देखते मेरे को, तो मैंने 10S प्लान पे लिया था, तो वो मैंने इंडिया भेजा था अपने भाई को, तो $1,105 ये हो जाते हैं। ठीक है, इसमें भी पेट्रोल खर्चा नहीं मेरा, मेरे हिसाब से $45-90 तो मेरा पेट्रोल खर्चा होता है, $100 वो मान लो। ठीक है, यानी कि $1,200 मेरा मंथ का खर्चा होता है। ठीक है, वो भी अच्छी खासी चीज़ें यूज़ में करता हूँ तब, क्योंकि सबसे ज़्यादा खर्चा मेरा ही होता है घर में, बाकी किसी का इतना नहीं होता है, मेरे बस गैजेट्स वाला ज़्यादा खर्चा है, बाकी कोई इतना मेरा खर्चा है नहीं, तो इतना आता है। जो भी बंदे अभी नए आने वाले हैं तो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, आकर भैया एकदम से आप अपने फ़ोन प्लान फ़ोन ले लो, कोई चक्कर नहीं है, तो अपना देखभाल के चलना कि हाँ आप अपने उसका दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, जो भी अपने महीने की आपकी किस्त बनती है, जो भी आपका प्लान है, और आईपैड वगैरह ना लो, मेरे को ज़रूरत थी तो मैंने ले लिया, चलो मेरा चलता है कि मेरी चलो यूट्यूब से आए थे मेरे निकल जाएंगे, लेकिन आपके पास कोई एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होगी जॉब्स के अलावा, तो इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि भाई आप आते ये चीज़ें ले लो, मैंने भी आते नहीं ली, मतलब मेरे को 8-9 महीने हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, 9 महीने हो गए थे, तब जाके अपन लोगों ने आईपैड पैदा किया है 9 महीने बाद, तो वो लिया, फिर उसके साथ में अपन लोगों ने एप्पल वॉच भी ले ली थी, तो ये सीन मैं लाइव में बताऊंगा, जो सीन है कभी क्या मतलब कल लाइव में बताऊंगा क्या सीन है, मैंने जो आईपैड और एप्पल वॉच क्यों ली, इसका प्रॉपर रीज़न मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, यही चल रहा है, और बाकी खर्चे आप पे होते हैं, आप बाहरी खर्चे जितने मर्जी बढ़ा लो, अगर आप बाहर ज़्यादा खाते पीते हो तो और खर्चे बढ़ जाएंगे, क्लब जाते हो दारू दूरू पीते तो और खर्चे बढ़ जाएंगे, तो मैं वो किसी को नहीं कहता भाई, बाकी क्लब जाओ ठीक है, दारू दूरू मत पियो, फिर वो वहाँ पे महंगी होती है, हिसाब से रहो, कैसीनो मत जाओ, कैसीनो में बहुत खर्चे होते हैं, यही खर्चे कंट्रोल करने वाले होते हैं, मतलब गंदी चीज़ों से बच के रहो, मतलब जो गलत आते होते हैं आपकी, नए जब भी आते हो आप तो ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन भी नहीं उड़े थे, अपन अब भी नहीं उड़ते वैसे, तो उड़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है, जो भी अपने हिसाब से रहो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खर्चे चालू कर दोगे और आपकी अर्निंग उतनी होएगी नहीं, फिर आपको तंगी होएगी, मेरे को श्योर है कि मेरा YouTube से कवर हो जाता, तो इसलिए मैंने अपने खर्चे बढ़ा लिए, अगर मैं खाली जॉब करता तो फिर शायद मैं इतने खर्चे ना बढ़ाता अपने,
ये सीन है। बाकी अगर आपने मेरी जो चीजें खरीदने का हिसाब किताब ये होता है कि मैं अपने टारगेट बनाता हूँ कि जैसे मैंने ड्रोन लेना था या गोप्रो लेना था तो मैं अपने टारगेट बनाता हूँ कि मैंने इस वीक मैंने इतना काम करना है, इस वीक इतना काम करना है कि मेरे को ये चीज़ लेनी है, तो अपन उस जगह पे गरारी अड़ा देते हैं अपनी। तो अभी मेरे को लैपटॉप की जरूरत लग नहीं रही है, बाकी एडिटिंग में थोड़ा बहुत इश्यूज हो रहे थे तो आईपैड आ गया था अपना, चल रहा है अभी काम, अच्छा चल रहा है उस पर। तो जब लगेगा कि अपग्रेड करना है तो काफ़ी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से, मैं नवंबर में अपग्रेड करूँगा अपने बर्थडे के टाइम, तो तभी कार भी अपग्रेड करेंगे। वैसे अभी मेरे को लग तो रहा नहीं है कुछ, मैं अपग्रेड करने जा रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि ड्रोन भी चाहिए था मेरे को वो भी हो गया, गोप्रो चाहिए था वो भी हो गया अपने पास, फ़ोन भी है, आईपैड भी है, एप्पल वॉच भी है, रिचनेस भरी पड़ी है लड़के हमें अभी तो। तो यही चल रहा है और बाकी कुछ है नहीं इतना कुछ खास, बाहर का कुछ आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकते। मैं वहाँ गया था, ग्रॉसरी वगैरह ले आए थे अपनी थोड़ी बहुत, और शाम को मैं जॉब से आते टाइम जॉब भी गए थे अपन लोग, टाइम लैप्स देखा ना अपने, तो दूध वगैरह ले आए। और इधर अभी कंडीशन लगा दी है हर एक चीज़ पे, पहले तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे थी, पहले खाली दूध पे थी और काफ़ी ऐसी चीज़ें थी उन पे थी, लेकिन अब हर एक चीज़ पे लगा दी लोगों ने कंडीशन की, दो से ज़्यादा नहीं ले सकते। और स्टैंड वाला मतलब खड़े होने वाला बहुत चक्कर है भाई, मतलब एंट्री का बहुत चक्कर है बाबू। मतलब वुलवर्थ में उस दिन मैं गया था तो वो अगर दो बंदे बाहर निकलते तभी आपको अंदर घुसाते हैं, मतलब दो लोगों को ऐसे नहीं घुसाते हैं। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है सीन इधर अभी, क्योंकि छोटी बात तो है नहीं, बड़ी बात है ये, अपना भैया घर पे टिक के रहो यार, सेफ रहोगे मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर घूमोगे तो पेल दिए जाओगे, पेल क्या दिए जाओगे, कोरोना ही पेल देगा। तो छोटी बात नहीं है, क्योंकि अपन लोग सीरियस नहीं लेते हैं। और मैंने वो लास्ट वीडियो देखी थी जो मतलब इंडिया में मतलब दिए वगैरह जलाए, तो अच्छी बात है, चलो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कुछ जगह आग वगैरह भी लगी है, तो वो गलत बात भी है। बाकी एक अच्छी बात है कि किसी बंदे ने वो जो उड़ने वाले गुब्बारे से नहीं होते जिसमें आग लगती है, तो वो किसी ने नहीं उड़ाया, किसी किसान की फसल को नुकसान नहीं हुआ है, तो ये अच्छी बात है, बस थैंक यू भाई। बाकी जिनके घर जले हैं वो गलत बात है ये। और एक मैं वीडियो देख रहा था, वो बंदे के मुंह को भी आग लग गई थी, तो वो भी कुछ था। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आई हैं व्हाट्सएप पे, तो सेफ रहो यार, जो भी अपने हिसाब से रहो। अगर कुछ भी आपको टास्क मिलता है मोदी जी की तरफ से, अगला कुछ भी टास्क होता है, तो भैया उसको सही से मतलब कंप्लीट करें, अकम्प्लिश होता है ना वो टारगेट, नहीं क्या होता है वो, जो भी वो करें अपने हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। और जो कैप्टन अमेरिका वाली टी शर्ट है वो अभी धोने के लिए डाली है, बिना धो के अपन लोग डालेंगे नहीं, कोरोना का चक्कर है, बस इतना से बताना था, घर पे टिक के रहो बस, बाय।